वेलकम टू माई क्लास चैनल। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। डिवाइड मैंने करना है और मेरे पास है 26xy ब्रैकेट में x प्लस 5 है, y माइनस 4 है ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय 13x इंटू y माइनस 4 है। तो इसको मैं ऊपर राइट करूँगी न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा, बिकॉज ये डिवाइड साइन के बाद है। तो मैं यहाँ पर राइट करती हूँ 26xy ब्रैकेट में है x प्लस 5 और नेक्स्ट ब्रैकेट में है y माइनस 4 और डिवाइड है, तो हमारे पास यहाँ पर ये लाइन आ जाएगी और ये 13x और ब्रैकेट में है y माइनस 4। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? फर्स्ट स्टेप में तो जस्ट मैंने राइट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करूँगी कि डायरेक्ट भी कट कर सकती हूँ मैं। 13 वन टाइम 13 और 13 कितने टाइम 26 होता है, 2 टाइम। और अगर आप चाहो तो उस तरह से भाई राइट कर सकते हो, 26 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स लो तो वो आता है 2 इंटू 13, तो वो उस तरह से भी आप कर सकते हो जिस तरह आपको सही लगता है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट करना है तो 13 वन टाइम 13, 13 कितने टाइम 26 होता है, 2 टाइम। और ये x इस x से कैंसिल हो गया। अब जो कैंसिल हो गया ठीक है, और भी कुछ कैंसिल होना है हमारे पास। क्या कैंसिल होना है? y माइनस 4 ने y माइनस 4 से कैंसिल होना। आपको पता है ऊपर नीचे जब टर्म्स कैंसिल होती हैं इस तरह से, तो वो सेम कैंसिल होते हैं, ये एक फैक्टर है। तो साइन सेम होना ज़रूरी है। अगर y माइनस 4 इधर है तो इधर भी y माइनस 4 है, तो ही कैंसिल होगा ऊपर नीचे। और अगर ऐसा हो इधर माइनस है इधर प्लस हो, साइन चेंज हो, तो वो कैंसिल नहीं हो सकता ऊपर नीचे। ओके, तो साइन का सेम होना ज़रूरी है कट करने के लिए। हमारे पास क्या रह गया? न्यूमरेटर में 2 रह गया, x तो कैंसिल हो गया था, y रह गया, और y माइनस 4 y माइनस 4 से कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया? x प्लस 5 ब्रैकेट में। डिनोमिनेटर में ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी हो गया, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रह गया, ये फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से सॉल्व करते हैं। डिवाइड जब भी करना हो आपको पास, जो भी टर्म्स आ जाएँ, जो भी एक्सप्रेशन आ जाएँ, तो आपने किस तरह से उनको सॉल्व करना है, इस तरह से। होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें।